हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर ऑफ इसका। एंड ये अपना फाइनल लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें सिर्फ दो जो पेंडिंग क्वेश्चन है अपन उसे कंप्लीट करेंगे। तो सब मेरे साथ आ जाएंगे पेज नंबर 4.5 पे। कौन से पेज पे आएंगे? पेज नंबर 4.5। और इसमें मैं जो दो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और वही दो क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस पेज में से। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेज, पेज नंबर 4.5। चलिए, जैसे ही आप आते पेज नंबर 4.5 पे, तो आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 2। नंबर रोमन में मैंने 2 लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है इंप्लीमेंटिंग बिजनेस कंटिन्यूटी इन द एंटरप्राइज एंड मेंटेनेंस। हाईलाइट कर लेना इस लाइन को और लिख देना हिडन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। यस, हिडन क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट। अब क्या बोल रहा है? इस लाइन को एग्जाम में और कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, वो आप लिख लीजिए। मैं आपको लिखवा रहा हूं, नोट करना शुरू करिए। मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ BCM प्रोग्राम। क्या लिखवा रहा हूं? मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ BCM प्रोग्राम। सब ये लिख दो। अगर मैं BCM प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करता हूं, तो इंप्लीमेंट करते वक्त कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी? सब मेरे साथ हैं, तो देखो आपको नीचे मिलेगी लाइन। इन इंप्लीमेंटेशन द मेजर एक्टिविटीज दैट शुड बी कैरीड आर। मैंने सबको हाईलाइट कर लेना, इसी को मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करके दिया है। अब आंसर बड़ा सिंपल है, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? डेफिनेशन ऑफ द स्कोप एंड कॉन्टेक्स्ट। समझो सर, कोई भी चीज जब आप बनाते हो, कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हो, तो सबसे पहले आप ये बताते हो उसका स्कोप क्या रहेगा, क्या क्या एरियाज कवर करेगा, और किस चीज से रिलेटेड वो चीज को बना रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल BCM में अपन क्या बोल रहे हैं प्रोग्राम में, कि कैसे हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, डिजास्टर को फेस करेंगे, रिकवर करेंगे, ये सारी चीजें आ रही है। एंड बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैसे बिजनेस की कंटिन्यूटी इंश्योर करेंगे। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? स्कोप एंड कॉन्टेक्स्ट। एक चीज याद रखना, कभी भी कोई भी चीज को प्लान को एक्सप्लेन करना हो, या डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करना हो, या कोई प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना हो, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट क्या लिख सकते हो? स्कोप एंड कॉन्टेक्स्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए सेकंड पॉइंट, जब भी आप कोई चीज BCM को इंप्लीमेंट करोगे, तो उसके पहले उसे कौन इंप्लीमेंट करने वाला है, हर पर्सन की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर रहे हो, जब आप एक अच्छा प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो, तो मेक श्योर जो भी कंसर्न पर्सन से, सबको आप इन्वॉल्व करो, सारे मेंबर्स को आप क्या करो? इन्वॉल्व करो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स, एंगेजिंग एंड इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स। पता चल रहा है सबको? तीन पॉइंट हो गए अपने। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? स्कोप एंड कॉन्टेक्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड पॉइंट क्या हुआ? इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? जो भी प्रोग्राम बना रहे हो, उसे आप टेस्ट करते रहो पीरियोडिक बेसिस पे। तो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसे पॉइंट्स दे दो, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये चार जो पॉइंट्स मैंने दिए वो तो याद हो जाने चाहिए। अब जब भी टेस्ट करोगे, किसकी नीड अराइज होगी? मैंने आपको पढ़ाया था मेंटेनेंस की, क्योंकि टेस्ट ये बताएगा कहां पे आप वीक है, कौन कौन से फ्लॉज है, और मेंटेनेंस के थ्रू आप वो फ्लॉज को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो लीव वन पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा मेंटेनिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ BCP। मिल रहा है सबको? मेंटेनिंग व्हाट? एप्रोप्रिएटनेस मतलब वो चलता रहे BCP, एप्रोप्रिएट रहे, करंट रहे, अपडेटेड रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? मैनेजिंग ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड। क्या मैनेज करना है आपको? कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड। इसका मतलब क्या है सर? से फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन टॉलरेट सम डाउन टाइम, देन देयर इज नो नीड टू गो फॉर हॉट साइट। अगर आप हॉट साइट के लिए जा रहे हो, मतलब आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन आपको आप टॉलरेट कर सकते हो डाउन टाइम, तो क्यों हम हॉट साइट के लिए जाए, क्यों हम हमारी कॉस्ट बढ़ाए जिसके सामने हमारे को कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आई होप यू क्लियर। हॉट साइट बताया था सबसे एक्सपेंसिव साइट होती है। यस, दैट्स योर नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? रिव्यूइंग, रीवर्किंग एंड अपडेटिंग द BCP, रिस्क असेसमेंट एंड बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसे एक बार नहीं करना है, उसे पीरियोडिकली करते रहना है, ताकि कोई भी चेंजेस अगर आते हैं जो पर्टिकुलर एनालिसिस आप कर रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल BIA में या RMA, BIA में आपने एक बार एनालिसिस करी, फिर वापस से करो ये देखने के लिए क्या कोई नई क्रिटिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू करी है या नहीं। रिस्क असेसमेंट करो ये जानने के लिए कि कोई नई टाइप की रिस्क ऑर्गेनाइजेशन पे आ सकती है या नहीं आ सकती। तो बड़े सिंपल पॉइंट से
अगेन आप पढ़ लेना, याद हो जाएगा, इसमें आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करोगे। याद कर लो कैसे, पहले क्या था सर, स्कोप एंड कॉन्टेक्स्ट था। सेकंड था सबकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करेंगे। थर्ड था सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे। फोर्थ था हम प्लान को टेस्ट करेंगे तो मेंटेन भी करेंगे, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ पता चल रहा है, जो भी प्लान में हम स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, एंड फाइनली वी विल मेक श्योर कि हम पीरियोडिकली क्या कर रहे हैं, असेसमेंट्स कर रहे हैं। और इसके साथ क्या कंप्लीट किया, पॉइंट नंबर टू, एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो और उसका आंसर पढ़ लो। देखो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर टू के नीचे पहला जो डैश मिल रहा है ना, इन इंप्लीमेंटेशन द मेजर एक्टिविटीज आर, इसे हाईलाइट कर लेना और लिख लेना हिडन क्वेश्चन। क्या लिखोगे, हिडन क्वेश्चन, और मैंने आपको वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में ऑलरेडी लिखवा भी दिया है। चलिए तो आपको देता हूं 5 मिनट्स, क्विकली एक बार लर्न कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आई होप आप सबको लर्न हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस चैप्टर के, पॉइंट नंबर 3, BCM डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते तो याद नहीं कर पाते। अब मैं ये क्वेश्चन को पढ़ूंगा लास्ट में तो आपको बाय डिफॉल्ट ये याद हो गया है। क्यों? बिकॉज दिस इज समरी ऑफ व्हाट वी हैव स्टडी टिल नाउ, दैट इज जो BCM के अपने कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे ना, याद करो BCM के क्या कॉम्पोनेंट्स बताए थे, कॉम्पोनेंट्स का एक प्रोसेस बताया था, स्टेप्स बताए थे सर, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, BCM की स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, विल डेवलप प्लान्स, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, याद करो ये 5 कंपोनेंट पढ़ाए थे ना। ये 5 कंपोनेंट के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, जब भी एक्टिविटी जो होगी उसे अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डॉक्यूमेंट करने का मतलब क्या है कि हम एक मैनुअल तैयार करें कि जब भी BCM का प्रोसेस होगा तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी, उसका क्या बन रहा है, एक डॉक्यूमेंट बन रहा है। तो देखो क्या मिल रहा है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर क्लासिफाइड एज बीइंग पार्ट ऑफ BCM सिस्टम। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 से अपन शुरू करते हैं, उसे कर दो पॉइंट नंबर 1। क्या लिखा है, बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी। जब अपन ने BCM शुरू किया था तो शुरुआत में ही अपने पास आई थी BCM पॉलिसी, यस और नो? तो जो आप BCM पॉलिसी बना रहे हो उसे आप डॉक्यूमेंट करके रखोगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या गया डॉक्यूमेंट का, BCM पॉलिसी। चलो इतना समझ में आया। फिर याद करो स्टेप्स जो मैंने बताए थे कॉम्पोनेंट्स के अंदर ऑफ BCM। फर्स्ट क्या था, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन। अब इन्फॉर्मेशन कलेक्शन में आपने किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, BIA एंड RA से रिलेटेड, तो उसका भी क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। क्या हम BIA करेंगे, हम RA करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस रिपोर्ट बनेगी। फिर आपकी क्या बनेगी, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनेगी। तो 3 पॉइंट्स तो याद हो गए, फर्स्ट BIA रिपोर्ट, सेकंड RA रिपोर्ट एंड BCM पॉलिसी। कंफर्टेबल? अब देखो BIA जब अपन ने किया था तब अपन ने देखा था ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फंक्शन है, वो फंक्शन में कौन कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज हो रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा, द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच फंक्शन, पता चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल रहा है, द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय ईच फंक्शन, मतलब फंक्शन के बारे में पूरा डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन अपने पास में होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं और हर फंक्शन में कौन कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। कितने पॉइंट्स हो गए अभी तक, अराउंड अपने 5 पॉइंट्स याद कर लिए, बहुत इजीली याद हो गए, क्विकली एक बार रिवाइज कर लो ये 5 पॉइंट। यस, देख लेना कैसे करे। पहले अपन ने बोला कि सर BCM की पॉलिसी बनाना, BIA से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, RA से रिलेटेड करना। अब BIA में क्या होता है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फंक्शन से एंड वो फंक्शंस में कौन कौन सी एक्टिविटीज अपने लिए क्रिटिकल होती है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक फंक्शन है, अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज होगी, अपन को देखनी है कौन कौन सी एक्टिविटीज सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। यस, मैनेजमेंट का आप देख लो, से फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंटिंग इज अ फंक्शन, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज बोल रहा हूँ समझना, ठीक है। चलो इतना समझ में आया होगा। अब आप देखो, फिर उसके बाद में अपन स्टडी किया था जब अपन ने कंपोनेंट्स पढ़ा था BCM कंटिन्यूटी स्ट्रैटेजीज। तो जो भी स्ट्रैटेजीज को आप इवैल्यूएट कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, उसे भी क्या करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, बिजनेस कंटिन्यूटी स्ट्रैटेजीज। तो सिंपल से एक चीज समझ लेना मैं कैसे जा रहा हूं, मैं कंपोनेंट से रिलेट कर रहा हूं। किससे रिलेट कर रहा हूं, कंपोनेंट से रिलेट कर रहा हूं। कंपोनेंट्स किसके, BCM के। तो उसे कैसे याद किया, सबसे पहले तो अपन ने BCM की क्या ले ली, पॉलिसी ले ली। क्या ले ली, BCM की पॉलिसी। अब कंपोनेंट्स ऑफ BCM में क्या था, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, तो उससे रिलेटेड क्या हो गया, BIA एंड RA। BIA को और फर्दर अपन ने कैसे डिवाइड किया, अपन ने बोला कौन कौन से फंक्शन है और फंक्शन की कौन कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड कंपोनेंट का प्रोसेस क्या था अपने लिए, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। तो वही हो गया अपना नेक्स्ट पॉइंट। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है जो चीजें मैं बता रहा हूं। कंफर्टेबल है? चलो फाइन।
टर्न योर पेज, अब नेक्स्ट पेज पे आप आते हो 4.6 पे, तो आपको मिलेगा इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, इसे भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे। और याद करो नेक्स्ट कंपोनेंट का पॉइंट क्या था आपका, डेवलपमेंट ऑफ प्लान्स, और कौन से प्लान्स थे अपने दो पढ़े थे, आईएमपी एंड बीसीपी, तो वही चीज लिखिए, द इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। अच्छा उसके बाद क्या था, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस था, तो देखो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या आ रहा था अपने पास में, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो देखो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, आपको मिलेगा एक्सरसाइज स्केड्यूल्स एंड रिजल्ट, एक्सरसाइज के वहां पे लिख दो टेस्ट, टेस्टिंग स्केड्यूल्स एंड रिजल्ट्स। फिर फाइनली क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट लॉग बनाओ, मतलब जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनका एक लॉग बनना चाहिए। एंड टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस के बाद में क्या था, ट्रेनिंग था, तो लास्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो देखो जो चीज मैं बता रहा हूं इसे रटने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, ये तो बस समरी है किसका, पूरे बीसीएम के कंपोनेंट्स के प्रोसेस का, स्टेप्स का। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, चलो एक्सीलेंट। लास्ट पॉइंट क्या रहा है सर, रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं, जो भी एक्चुअल ऑपरेशंस हुए हैं, कभी भी डिजास्टर होता है तो हमें वो चीज थोड़े टाइम के लिए रिटेन करनी रहती है। तो देखो क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड्स डेमोंस्ट्रेट द ऑपरेशंस should be that the operations should be retained for a minimum period of 1 year sir, or in line with enterprise policy, minimum 1 year hona chahiye. Agar enterprise ki policy hai ki bhai, say for example incident hua hai, incident se related sari cheeze aapke paas rehni chahiye, wo bolte at least 3 saal rehni chahiye, to 3 saal tak hum wo record ko kya karenge, preserve karenge. Aur last point kya bol raha hai, record includes what, reference to all business interruption, jo bhi business ke interruptions hue hain, incidents irrespective of the nature and length of disruption, sare incidents ka ek proper record hona chahiye jisse kabhi bhi auditor aake kya kar sake, check kar sake. Samajhna, बेसिकली रिकॉर्ड का मतलब प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हो रहा है, जब इंसिडेंट होता है तो हम ये चीजें को क्या करेंगे, देखेंगे। वेयर एज डॉक्यूमेंट्स क्या बोल रहा है, जब आप चीज को तैयार कर रहे हो, बीआईए एनालिसिस होनी चाहिए, आरए एनालिसिस होनी चाहिए, वो सारी चीजों की बात कर रहा है। सो प्रैक्टिकल जब चीज हो रही है तो उसका पूरा क्या बनना चाहिए, एक रिकॉर्ड बनना चाहिए, ताकि उसे कोई भी आके जो कंसर्न पर्सन है आके रेफर कर सके। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जनरल एंड डिटेल डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एज डिफाइंड व्हाइल डेवलपिंग बीसीपी, रिकॉर्ड में ये भी होना चाहिए मेन कि जब आपने बीसीपी बनाया था तो आपके लिए कौन कौन से क्रिटिकल फंक्शंस थे, क्रिटिकल एक्टिविटीज थी जो आपने बीआईए में डिफाइन करी थी। तो आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा सारी चीजें जो मैं कैसे बता रहा हूँ, इट्स वेरी इजी। दो क्वेश्चन अभी लास्ट के लिए, ये लास्ट के क्वेश्चन थे और इसके साथ अपन क्या कंप्लीट करें, आपका पूरा चैप्टर बीसीएम में कंप्लीट कर रहा हूँ, बीसीएम बीसीपी डीआरपी। अब आप एक काम करिए, एक बार अपने लास्ट पेज पे आ जाइए, किस पे आएंगे, जो मेरे नोट्स है चैप्टर नंबर 4 के, उसके लास्ट पेज पे आप आइए। जब आप लास्ट पेज पे आते तो एक हेडिंग लिखिए, सबसे पहले लिखिए हेडिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या लिखोगे, कम ऑन पेज नंबर 4.27, एवरीवन कम ऑन पेज नंबर 4.27, हेडिंग दो ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर फर्स्ट लिखो कोलन करके, फर्स्ट पॉइंट लिखना ऑब्जेक्टिव्स किसके, बीसीपी के, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीसीपी। फिर सेकंड लिख के दो ऑब्जेक्टिव्स हेडिंग, आई यू गेटिंग मी पॉइंट, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स क्या करो, हेडिंग दो और उसके अंदर फर्स्ट लिखना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीसीपी, सेकंड लिखोगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीसीपी टेस्टिंग, थर्ड लिखोगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीसीएम पॉलिसी। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक्स करते हैं, जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते वो सिर्फ फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीसीपी लिख देते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये समझना है कि ये चैप्टर में टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव किससे रिलेट कर रहा है, बीसीपी से, किससे रिलेट कर रहा है, बीसीपी से, जो आपको मिलेगा पेज नंबर, एवरीवन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीसीपी पेज नंबर 4.14, तो मार्क कर लेना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीसीपी। सेकंड मैंने बताया आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीसीएम टेस्टिंग, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 4.11 पे, कहां पे मिलेगा, पेज नंबर 4.11 पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीसीएम पॉलिसी, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 4.4 पे, मिल रहा है सबको, 4.4 पे, कंपोनेंट्स ऑफ बीसीएम प्रोसेस के जस्ट ऊपर मिलेगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीसीएम पॉलिसी इज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने एक चीज क्लियर कर दी, 3 ऑब्जेक्टिव्स है, कंसेप्चुअली क्लियर है ना किस कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा है। सिमिलरली जैसे ये ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट खत्म करते हो, आप लिखोगे नेक्स्ट हेडिंग दोगे मेथडोलॉजी, क्या दोगे, मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी भी दो दी हुई है, एक दी हुई है किसकी सर, बीसीपी की, बीसीपी की आपको मेथडोलॉजी मिलेगी पेज नंबर, एवरीवन ऑन पेज नंबर 4.15, कहाँ मिलेगी, पेज नंबर 4.15, जो 2.4 पे पॉइंट नंबर ए दिया हुआ है, मिल रहा है सबको, पेज नंबर 4.15 पे, दैट इज मेथडोलॉजी ऑफ
BCP एंड सिमिलरली आपको मेथडोलॉजी मिलेगा BRP / DRP का. हिडन क्वेश्चन है ये मेथडोलॉजी ऑफ BRP स्टैंड फॉर व्हाट बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग वो दिया हुआ है पेज नंबर 4.24 पे. जो सैंपल लिस्ट ऑफ BCP ऑडिट है उसका पॉइंट नंबर 1. तो हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना. BCP की मेथडोलॉजी अलग है, BRP और DRP की मेथडोलॉजी अलग है. अल्टीमेटली बेस सेम ही है लेकिन दो अलग वे में डिफाइन की गई है. तो एग्जाम में आपको इस चीज का ध्यान रखना रहेगा. तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके साथ मैं ये चैप्टर कंप्लीट करता हूँ. आप सब अच्छे से एक बार ये चैप्टर को पढ़ लीजिएगा. यस, कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ. थैंक यू.